और हम मैं स्पेशली आपको ये बताना चाह रही हूँ, हमारे पास बहुत ही अच्छा स्पोकन का कोर्स है जो कि कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। जैसे आजकल सबके बच्चे अब्रॉड सेटल्ड हैं तो वो इंग्लिश सीखना चाहें तो किसी भी एज ग्रुप हमारा के। मकसद तो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा यहाँ से आउटपुट लेके जाएं, ठीक है। आईएलटीएस और पीटी का जो टेस्ट है वो सिर्फ एक ऐसा टेस्ट नहीं है जो आप टेस्ट देके एक फॉरेन कंट्री जाना एम करते हैं। हमारा पर्पस ये है टू टीच यू द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ताकि आप सिर्फ यहाँ से टेस्ट देके ही ना जाएं, वहां जाके भी यू वुड होल्ड द सेम कॉन्फिडेंस। हमारे टीचर हैं और हमारे यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अच्छा जी, मैम ओनर है, एमडी है मैम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे अगर आईएलटीएस के लिए स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें 1 मंथ में सर हमारा आईएलटीएस हो जाएगा, कुछ बोलते हैं 15 डेज ही हमारे पास हमारा आईएलटीएस हो जाएगा, तो उस हिसाब से नेक्स्ट हमारा ये है पीटी का क्लासरूम। अच्छा, यहाँ पे सारे डाउट डाउट सेशंस होते हैं पीटी के, कोई भी डिस्कशन करनी हो पीटी के स्टूडेंट्स ने, वो सारी डिस्कशन इसी क्लासरूम में होती है। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में ये हेडफोन वगैरह लगे होते हैं स्टडी के लिए। ये हमारा मेन क्लासरूम है, ये आईएलटीएस का क्लासरूम है। अच्छा जी, इस क्लासरूम में आईएलटीएस के सारे डाउट सेशंस, जितनी भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं वो सारी प्रिपरेशन इसी क्लासरूम में होती है। और आपके सब्सक्राइबर्स के थ्रू जो आएगा वो उसको तो हम 1000 फ्लैट ऑफ दे ही रहे हैं। उसके बाद वेलकम टू ए न्यू वीडियो गाइस, आई होप आप सब हैप्पी होंगे एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी। तो साथ में हमारे साथ मिलाप भाई जी, और कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया है सब। आप ही नहीं आते हो वीडियो में भाई, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ मैं आजकल। अच्छा, आज टाइम निकाला है तो आज हम आपके लिए एक मतलब इतनी बढ़िया चीज़ लेकर आए हैं ना, जिन्होंने बाहर जाना है या फिर जिन्होंने इंग्लिश सीखनी है या फिर स्टडी वीज़ा लेना है या फिर वर्क वीज़ा या फिर पीआरवी और अपनी इंटरव्यू भी क्रैक करनी है। हाँ, अच्छी कंपनी के लिए तो उसके लिए आपको पता है मैंडेटरी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो वो आपसे यहाँ से लर्निंग ले सकते हो अच्छे। ये सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी, एक पीटीई, इंग्लिश स्पोकन और क्या क्या है, आईलेट्स और स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा एंड इमिग्रेशन का भी काम है। इनका इमिग्रेशन का भी काम है एंड 100% ट्रस्टेड है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो लगे हुए हैं। मिलाप सर ने भी यहाँ से इंग्लिश स्पोकन का कोर्स किया है। कैसा है, अब प्रॉपर इंग्लिश बोल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो ट्रस्टेड नहीं मिलती हैं, मेल तो बहुत जाती हैं लेकिन ट्रस्टेड नहीं मिलती नहीं होती है। ये ट्रस्टेड है, थोड़ा सा बताइए, मतलब हर जगह है ना ये? हाँ, बाकी क्या होता है, इन्होंने पूरा एफर्ट कर रहे हैं अपना पढ़ाने में और इनके पास जो पढ़ाने का तरीका है वो सभी से अलग है। तो बाकी आपको पूरी डिटेल जो है ना, हम ऊपर जाके प्रॉपर तरीके से इनसे बात करवाएंगे, सब कुछ देने वाले हैं पूरी डिटेल आपको। तो चलते हैं फिर ऑफिस में इनके। ऑल राइट गाइस, तो ये देख सकते हो ये है 3B2 की मार्केट। तो ये है निक बेकर्स के पास इनका लगा हुआ है बोर्ड स्टडी मास्टर वालों का। तो अब हम अंदर चलते हैं ऑफिस के। चलो चले मिलाप, जल्दी आओ थोड़ा सा ना। तो निक बेकर्स के पास जो है यहाँ से ये पौड़ियाँ चढ़ती हैं, यहाँ पे भी जो है इनका बोर्ड लगा हुआ है देख सकते हो। तो हम सीधा पौड़ियों से चढ़ेंगे ऊपर। तो पौड़ियों से चढ़ने के बाद सेकंड फ्लोर पे जो है इनका ऑफिस है। तो आ गए हैं हम सेकंड फ्लोर पे। तो ये लो, सेकंड फ्लोर का जो है डोर ओपन हो गया है। डोर ओपन होते ही हमें सर मिले हैं जो कि टीचर हैं यहाँ के। कैसे हो सर, ठीक हो जी? बढ़िया, बताओ। बहुत बढ़िया सर। तो सर जो है हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो हाँ जी सर, कहाँ से शुरुआत की जाए? ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। अच्छा जी, यहाँ पे एडमिशन्स के लिए जब स्टूडेंट्स आते हैं, हाँ जी, तो हाँ जी, यहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। ये ठीक है जी, हमारे मैम हैं। कैसे हो मैम? ओके, तो ये रिसेप्शन है इनका। हाँ जी सर, आगे दिखाइए। तो ये हमारा ऑफिस है। अच्छा जी, सारी एडमिशन्स के लिए ये हमारे टीचर हैं और हमारे यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अच्छा जी, मैम ओनर है, एमडी है मैम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो मैम, ठीक हो जी? परफेक्टली फाइन। ओके, इनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, स्पोकन इंग्लिश एंड आईएलटीएस में। अच्छा जी, इनके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। अच्छा जी, ठीक है जी। नेक्स्ट सर, आगे क्या दिखाएं? हाँ जी भाई, ये हमारा काउंसलिंग रूम है। अच्छा जी, काउंसलिंग रूम में हमारे वीजा फाइलिंग के रिगार्डिंग सब होता है। अच्छा जी, तो ये सर भी टीचर है ना सर? हाँ जी। ओके सर, आईएलटीएस स्पोकन एंड पीटी ऑल थ्री। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी, आगे सर। नेक्स्ट हमारा ये है पीटी का क्लासरूम। अच्छा, यहाँ पे सारे डाउट सेशंस होते हैं। अच्छा, पीटी के कोई भी डिस्कशन करनी हो पीटी के स्टूडेंट्स ने, वो सारी डिस्कशन इसी क्लासरूम में होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट सर, ये हमारा मेन क्लासरूम है, ये आईएलटीएस का क्लासरूम है। अच्छा जी, इस क्लासरूम में आईएलटीएस के सारे डाउट सेशंस, जितनी भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं वो सारी प्रिपरेशन इसी क्लासरूम में होती है। ठीक है जी। ओके सर,
तो अब सर डिटेल के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या फीस है और क्या चार्जेस वो सब होंगे। हम हाँ बैठ के आपको मैं सारा समझा दूंगा, हमारा कैसे कितनी फीस है और कैसे हमारा टीचिंग का मेथड है, वो सब मैं आपको काउंसलिंग रूम में बैठ के बता देता हूँ। ओके सर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में ये हेडफोन वगैरह लगे होते हैं स्टडी के लिए, तो यहाँ पर लिसनिंग क्लास लगती है, यहाँ पे यहाँ अच्छा पर जी, लिसनिंग क्लास कनेक्ट की जाती है। अच्छा जी, ओके। तो अब हम ऑफिस में आ गए हैं, ऑफिस में आकर जो है डिटेल लेते हैं कि किस प्राइस में कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे और क्या प्रोसेस होगा। तो हमारे साथ ओनर मैम है, जो एमडी हैं वो भी मौजूद है। मैम कैसे हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ओके हमारा हेड ऑफिस सेक्टर 17 एज स्टडी मास्टर है वहाँ पे, और हम मैं स्पेशली आपको ये बताना चाह रही हूँ, हमारे पास बहुत ही अच्छा स्पोकन का कोर्स है जो कि कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। जैसे आजकल सबके बच्चे अब्रॉड सेटल्ड हैं तो वो इंग्लिश सीखना चाहें तो किसी भी एज ग्रुप के उनके पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी कर सकते हैं। ये हमारे को पर्सनल अटेंशन हम उनको देते हैं इस चीज़ के लिए, ये मैं स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ। ओके मैम, ठीक है जी। तो हमारे साथ टीचर भी हैं। हाँ जी सर, कैसे हो जी? बिल्कुल ठीक जी, सुनाए। ओके, सत श्री बहुत अकाल बढ़िया, सारे अनु। सत श्री अकाल तो सर। आई वुड लाइक टू मेंशन कि हम अपने स्टूडेंट्स को फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। जो भी बच्चा जो हमारे से पढ़ के जाएगा, जिसको भी जिस कंट्री में अप्लाई करना है, वी कवर ऑलमोस्ट ऑल मेजर कंट्रीज एंड ऑल कॉलेजेस। तो जो भी बच्चा हमारे पास पढ़ेगा उसकी कंसल्टेंसी फ्री होगी, एंड आफ्टर द एग्जाम भी हम उसको इक्वली बैक करेंगे जितना हम उनको पढ़ने टाइम करेंगे। ठीक है जी। तो ये भी टीचर हैं सर, कैसे हो हेलो सर, सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया सर। तो सर ऑफर के बारे में आपने मतलब बताया नहीं है, मतलब ऑफर क्या है, कितनी फीस है, तो देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे मास्टर ट्रेनर हूँ आयल्स एंड पीटी का। तो आयल्स एंड पीटी में मैंने एक चीज नोटिस करी है स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो कर लेते हैं जब उनका एग्जाम होता है, तो एग्जाम से पहले भी वो जो प्रैक्टिस 2 महीने पहले 1 महीने पहले करते थे, वही सेम प्रैक्टिस वो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले भी करके जाते हैं। तो उस चीज का हमने एक इलाज ढूंढा है, वो है मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज होगी 10 दिन की, लगातार मॉक टेस्ट सीरीज हम देते हैं, जिसमें सेम जैसा आइल्स के एग्जाम में एक इन्वायरमेंट होता है, वैसा ही इन्वायरमेंट हम 10 दिन पहले ही बच्चे को देने लग जाते हैं। उसका नाम हमने रखा है एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट सीरीज। वो 10 दिन चलती है, आपको इवेल्युएट करा जाएगा उस हिसाब से ही जिस हिसाब से एग्जाम में आप इवेल्युएट करोगे। आपकी एक एवरेज बाहर सामने निकल के आ जाएगी कि आपके इतने बैंड स्कोर्स हैं, सो दैट आप अपने एग्जाम के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो वो हमने सोचा, डिसाइड करा कि क्यों ना स्टूडेंट्स का कुछ भला कर दिया जाए। तो हाँ हमने जी, वो 10 मॉक टेस्ट सीरीज जो 10 डेज की चलती है, पहले 5 बच्चों को वो हम टेस्ट सीरीज देंगे। ठीक है जी। तो सर इसकी फीस वगैरह क्या होगी थोड़ा सा? जो मॉक टेस्ट सीरीज है पहले 5 बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, और जो उसके बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए जो फीस हमारी है वो 9,000 है, और ठीक है नाइन जी, थाउजेंड में हम उसको फ्री ही देंगे, उसके अलग से चार्जेस नहीं लेंगे। जो चार्जेस लिए जाते हैं मार्केट में वो हम चार्जेस बिल्कुल जीरो रखे हैं, ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए उससे, ठीक उसकी है वो जी। एक एक बूस्ट कर देता है प्रिपरेशन को। जो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, फिर वो 10 10 दिन जब लगातार टेस्ट देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है, जिससे रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आया है ठीक है जी। जी। तो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कोर्स कौन सा है जी? नेक्स्ट कोर्स जो अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा एवरी मंडे ही स्टार्ट होता है, वैसे तो हाँ आइल्स जी, का भी और पीटी का एवरी मंडे स्टूडेंट्स हर बैच हमारा स्टार्ट होता है। और अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारे 4 बैचेस हैं टोटल। हमने सबसे सबसे पहले जो हमारा जो बैच स्टार्ट होता है वो सुबह 7 o'clock से स्टार्ट हो जाता है, जो हमने सर्विस क्लास के लिए रखा है, बेसिकली 7 to 10, जिसमें जो किसी ने जॉब पे जाना है तो अपनी वो प्रिपरेशन करके जा सकता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा बैच है वो है 10 to 2, और फिर इवनिंग बैच जिसको हम बोलते हैं वो है 2 to 6। एक हमने और बैच रखा है जिसको हम नाइट बैच बोलते हैं, वो है 6 to 8:30, वो भी सर्विस क्लास के लिए। ये अर्ली ओके मॉर्निंग और जो नाइट बैच है, ये हमारा सबसे ज्यादा जिसका हमें रिस्पांस काफी अच्छा मिला है, क्योंकि जिनको नहीं टाइम मिलता है प्रिपरेशन का, तो वो इस बैच में आके प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, और सर जैसे इसमें स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और पीआर बताया, इसका क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, ये भी आप सारी चीज़ें बता दें जी डिटेल में ना।
जो भी हमारे बच्चे यहाँ हमारे पास आईएलटीएस या पीटी करके जाएंगे, उसके बाद उनका अगला टारगेट तो ऑब्वियसली फॉरेन जाना है। हाँ तो फॉरेन जाने के लिए उनका जो वीजा प्रोसेस है उसमें कंसल्टेंसी फीस लेते हैं सब। अच्छा। तो हम वो कंसल्टेंसी फीस अपने स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे ट्रेनिंग हमसे प्रिपरेशन करेंगे ट्रेनिंग लेंगे उनके लिए बिल्कुल जीरो है वो कंसल्टेंसी फीस, कोई नहीं लेंगे। और इवन अगर उनको गाइडेंस चाहिए होगी, कई बच्चे स्टक हो जाते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, कहाँ का वेदर कैसा है, वेजेस कैसी है, तो वो क्लियर करने के लिए हम अपने काउंसलर्स को उनके लिए फ्री जो काउंसलिंग हम देते रहते हैं जब वो प्रिपरेशन करेंगे उसके दौरान। ठीक है जी, ओके सर। हाँ जी सर, आप भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताइए इनमें से, जैसे आईलेट्स है, इंग्लिश स्पोकन है, और इसके बाद ये पीआर है, ये सारी चीज़ों के जो चीज़ें मतलब सर ने मिस कर दी हैं वो आप बता दें सर। हाँ जी सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आईएलटीएस और पीटी का जो टेस्ट है वो सिर्फ एक ऐसा टेस्ट नहीं है जो आप टेस्ट देके एक फॉरेन कंट्री जाना एम करते हैं। हमारा पर्पस ये है टू टीच यू द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ताकि आप सिर्फ यहाँ से टेस्ट देके ही ना जाएं, वहां जाके भी यू वुड होल्ड द सेम कॉन्फिडेंस कि आप अपने साथ के बच्चों से, वहां के बच्चों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, ताकि आपको आगे सालों में ये चीजों की प्रॉब्लम ना आए। यू विल फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश विद एवरीबॉडी हू इज अराउंड यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो उसलिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो सिर्फ उस हिसाब से नहीं होगी कि आपने एक दिन टेस्ट देना और टेस्ट देके फ्री हो जाना, बेसिकली वी प्रिपेयर यू फॉर योर फ्यूचर। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी बच्चा आपके थ्रू आएगा, आपके सब्सक्राइबर्स के थ्रू, उसको हम एडिशनल 1000 रुपीज डिस्काउंट देंगे जस्ट फॉर। ठीक है जी। तो सर एक बार ना मतलब इसकी डिटेल थोड़ा सा ना समझा देते कि किस किस की कितने दिन की क्लासेस हैं, क्या फीसेज हैं। हाँ, वो मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे अगर आईएलटीएस के लिए स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें वन मंथ में सर हमारा आईएलटीएस हो जाएगा, कुछ बोलते हैं 15 डेज ही है हमारे पास हमारा आईएलटीएस हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम ये कोई दावा नहीं कर सकते है ना कि आपका आईएलटीएस हम 10 दिन में करा देंगे, 15 दिन में। वो आपके ऊपर है कि आप कैसी प्रैक्टिस करते हो। कहने का तो आप हमारे डबल बैच ज्वाइन कर लो जो हमारा मॉर्निंग एंड इवनिंग है, एक दिन में दो दो प्रैक्टिस कर लो, दो रीडिंग, दो लिसनिंग, दो स्पीकिंग, ये कर लो। तो वो आपके ऊपर है कि आपने कितनी मेहनत से करना है। वैसे हमारा वन मंथ की मैंने आपको चार्जेस बताई दिए हैं कि वो है 9000 जो हमारे चार्जेस हैं, ठीक है। और आपके सब्सक्राइबर्स के थ्रू जो आएगा वो उसको तो हम 1000 फ्लैट ऑफ दे ही रहे हैं। उसके बाद जो स्पोकन का है, स्पोकन हमने दो चीजों में डिवाइड करी हुई है। जो एक स्पोकन बेसिक है जिनको बिल्कुल भी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे आप हम बोले कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये जो हम करते हैं यहां से हम स्टार्ट करेंगे स्पोकन का। जो बेसिक स्पोकन है वो फर्स्ट मंथ चलता है, उसमें हम बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स कराते हैं ग्रामर की। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसको हम स्पोकन एडवांस बोलते हैं, जिसमें आपको एडवांस वर्ड्स, वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस, ये सब चीजें कराई जाएंगी। जो ये जो 2 मंथ्स का पैक है ये स्पोकन के लिए है, और जो आईएलटीएस एंड पीटी है वो आपके ऊपर है कि आप कितने टाइम में कर सकते हो। हमारी तरफ से 1 मंथ में हम प्रॉपर जितनी प्रिपरेशन चाहिए होती है वो करवा देते हैं। उसके बाद 10 डेज की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो तो मैंने आपको पहले भी बताई दी। ठीक है जी। हाँ जी सर, अपनी मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्कशन सारे कोर्सेज पे हो चुकी है कम्प्लीट जी। हाँ जी, पूरे एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी रहती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कैसे आपने खड़े होना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये भी एक पर्टिकुलरली चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, ये हमारे खास है। अच्छा जी। हाँ जी, जिस भी बच्चे को मल्टीपल मंथ्स की ट्रेनिंग की जरूरत होगी, वी विल मेक श्योर दैट वी गिव यू द बेस्ट ऑफर्स। अगर आप मल्टीपल मंथ्स की एडमिशन हमारे पास कराएंगे तो उसके प्राइसेस के लिए भी हम आपको और रीजनेबल कर देंगे, ताकि वो आपको पॉकेट फ्रेंडली भी रहे एंड एट द सेम टाइम आपका काम भी हो जाए। ठीक है जी। तो पूरी देखिए, हमारा मकसद तो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा यहाँ से आउटपुट लेके जाएं, ठीक है। हम ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं कि जो प्रैक्टिस बेसिकली हमारी जैसे बोल देते हैं कि एक बुक से नहीं, हम 3-4 बुक से प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। हमने हर एक जो इंटरनेट से वो मटीरियल भी हमने उठाया हुआ है, अपना खुद का भी प्रिपेयर करा हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स को हर लेवल का एक्सपोजर मिल जाए। स्टार्टिंग से जैसे बिल्कुल बेसिक ही ना कराते ना कि वहां पे जाके वो बिल्कुल ही ऑकवर्ड हो जाए कि ये तो हमने कभी करा ही नहीं। टफ से टफ भी कराएंगे, इजी से इजी भी कराएंगे, ट्रिकी से ट्रिकी भी करवाएंगे। तो हर तरह की रीडिंग, हर तरह की लिसनिंग हो जाएगी, वो उनके लिए फायदा है। और जो स्पीकिंग है, मैंने मार्केट में देखा है कि स्पीकिंग का सिर्फ एक ही 5-10 मिनट की करवा के वो भेज देते हैं स्टूडेंट्स को। हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपको 5 मिनट करना है 5 मिनट करो, आधा घंटा करना है आधा घंटा करो। स्टूडेंट टीचर को पकड़ ले, कि पकड़ के बिठा ले कि हमें सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट नहीं, हमें बिल्कुल बेसिक से करवाओ, सारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कराओ, सारे जितने क्यू टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कराओ, चाहे आधा घंटा टीचर के पास स्टूडेंट बैठा रहे। हम बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि हमारा 5-10 मिनट का एक ही क्यू टॉपिक है। जितना प्रिपेयर करना आप करो,
स्पीकिंग में मेन प्रॉब्लम होती है, और स्पीकिंग का ही हमने ये हल निकाला है कि आधा घंटा भी आप टीचर के पास बैठ के उनसे बिल्कुल सब कुछ सीख सकते हो। राइटिंग का भी मैं आपको बता ही देता हूं कि राइटिंग में जैसे हम एक हफ्ता तो प्रैक्टिस करवाते ही नहीं है, मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो हम एक हफ्ता उनको सिर्फ ये सिखाते हैं कि राइटिंग करनी कैसे है, क्योंकि पहले दिन अगर प्रैक्टिस शीट पकड़ा देंगे उनको और उनको कहेंगे कि आप करो, है ना, तो उनको क्या ही पता चलेगा कि हम क्या क्या उसमें लिखे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्लासेस, ये लेक्चर्स कोई नहीं लगाता राइटिंग के, जो राइटिंग के लेक्चर्स हम लगाते हैं फर्स्ट वीक, हर तरह का एसे, हर तरह का ग्राफ, जितने भी टास्क वन एंड टास्क टू होते हैं सबको हम पहले लिखना सिखाते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, इसका मॉडल क्या है, या हम कोई टेम्पलेट्स नहीं देते, हम आपकी क्रिएटिविटी को एनहेंस करके आपको ही सिखाते हैं कि इसको लिखना कैसे है। उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट कराते हैं राइटिंग की। राइटिंग ये नहीं है कि हम पहले दिन आपको प्रैक्टिस शीट पकड़ा दी, वैसे रीडिंग का है, रीडिंग की हम पहले दो या तीन दिन टिप्स एंड ट्रिक्स ही कराते हैं कि बेसिकली आपको क्वेश्चंस को ढूंढना कैसे है, उसकी स्पॉटिंग कैसे करनी है। वही चीज लिसनिंग में है। लिसनिंग में तो हमारे जो टीचर्स हैं वो तो जब स्टूडेंट्स लिसनिंग कर रहे होते हैं उसके साथ ही बैठ जाते हैं ताकि उसको स्टॉप करके पूछें कि किसी को ये सुना या आपको ये सुना तो क्यों नहीं सुना, क्या वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रोनंसिएशन सुनने में समझने में प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कुछ ट्रिकी लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको टफ लग रहे हैं, तो वो सब चीजें हम बैठ के बिल्कुल जैसे बोलते हैं ग्राउंड लेवल पे बैठ के हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, जिसकी वजह से ही हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। आप मानोगे नहीं, 100% रिजल्ट्स हमारे रहे हैं। 7 बैंड्स, 6.5 बैंड्स, ये तो हमारे बिल्कुल कॉमन रिजल्ट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स के 8 बैंड्स तक भी आए हुए हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ओके सर। तो सर हो गई है पूरी इन्फॉर्मेशन ऑल कोर्सेज की? हाँ जी, वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन है ही है, बाकी ये है कि जब एक्सपीरियंस होना चाहिए सबसे पहले, तो कि अगर हमने किसी को करवाना है तो हमें खुद को एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमारे मैम जो है उनको 25 ईयर्स, मैंने पहले भी मेंशन करा था इतना इनको एक्सपीरियंस है आईएलटीएस में, पीटी में, स्पोकन में, इन्होंने कम से कम 20 ईयर्स का इन्होंने खुद की अपनी बुक्स डिजाइन कर रहे हैं मैम बैठ के यहाँ पे, है ना, तो वो तो उनका तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। उनके सामने आप बैठ के एक बार स्पीकिंग कोई स्टूडेंट करेगा तो वो खुद बोलते हैं कि हाँ हमें अभी कुछ नया पता चला है जो बेसिकली हमें किसी से ज्यादा पता नहीं चलता। तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, तो टेक्नोलॉजी से भी हम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं अपनी, तो वो भी हम एड ऑन कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस जरूर हमारे पास बहुत अच्छा है जो मैम के पास है हमारा एक्सपीरियंस। ओके, हाँ जी, तो ये तो हम करवा रहे हैं। बाकी डिटेल जो है वो आपसे कॉल करेंगे, जब विजिट करेंगे तब पता चल जाएगा ना। स्टूडेंट्स विजिट करें, हमारा फ्री जो डेमो क्लासेस चलती हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, ये नहीं है कि आपको कोई वापस कर देगा, आप हमारी हमेशा फ्री डेमो क्लासेस चलती हैं, वो डेमो क्लासेस आके अटेंड करके देखिए, अगर स्टूडेंट को लगता है कि हाँ ये करवा पाते हैं तो ही आके वो एडमिशन अपनी करवाए, नहीं तो वैसे तो हम अपने आप पे इतना विश्वास रखते हैं कि डेमो क्लास हमारी स्टूडेंट जो लगा के जाता है वो हमारे पास 1-2 मंथ्स हमारे साथ ही रहता है और एग्जाम क्लियर ही करके जाता है। ठीक है, तो डेमो क्लासेस हमारी हमेशा फ्री चलती है, कभी भी कॉल करके आओ, लेकिन मतलब कॉल करके आ जाओगे तो वो ज्यादा अवेलेबिलिटी रहती है हमारी, है ना, टीचर्स की, तो उस हिसाब से डेमो क्लासेस तो हमारी हमेशा ही फ्री है। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू। ऑल राइट गाइस, तो ये थी हमारी वीडियो, तो एजुकेशनल पर्पज पे थी ये वीडियो, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है तो आपको पता है कि इंग्लिश जो है कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है, स्पेशली जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर नहीं भी जाना हो अगर इंडिया में भी रहना हो तो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देखते हैं मतलब इंग्लिश जो है वर्ल्ड वाइड चल रही है, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पर मतलब स्टडी कर रहे हैं, कुछ इनसे करके भी गए हैं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना वीडियो बनाई जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। तो ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस चाहिए, वैसे तो मैंने बोर्ड भी दिखा दिया था, बाकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इनका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, और लोकेशन भी डाल देंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो, और इन्होंने बोला कि फ्री ट्रायल भी देंगे तो वो भी ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।